मजुमदार फार्म से आपका स्वागत है। हम पहले दिन से पांचवा दिन तक वैक्सीन तक आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है इसमें। पहले दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर डाला जा रहा है, नीचे धान का बुरादा डाला हुआ है, लकड़ी का डालना सही नहीं रहेगा। पेपर पूरा डाल दिया गया है और साथ में पानी का जो बर्तन है उसको लगा दिया जा रहा है। ब्रूडिंग का टाइम ये सब हो रहा है और साइड में आप देख सकते हैं पतरे का जो शीट है उसको घेरा गया है और रात में ऊपर से लाइट दिया जाएगा। ये गर्मी का टाइम मौसम है तो इसलिए सितंबर का महीना है तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे छोड़ा जाएगा पेपर के ऊपर ताकि पेपर पे हम जो दाना है उसको डालेंगे और वो खाने में अच्छा रहेगा। या एकदम डायरेक्ट आप भूसी पे डाल देंगे तो वो भूसी खाने लग जाएगा और बीमार पड़ सकता है। ये जो बीड है ये कॉप फोरानेट बीड है, यानी जो कॉप है स्काइलर एक आता है हवर्ड और एक कॉप का आता है, ये कॉप का बीड है कॉप 400। ये पीला जो इसका पैर रहता है इसका पीला रहता है और बॉयलर में काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको, काफ़ी अच्छा भी है। इसमें मोर्टिलिटी भी कम आता है और साइज भी इसका काफ़ी बेहतर होता है। जो हवर्ड जो सफ़ेद पैर का बीड रहता है उससे काफ़ी अच्छा होता है। कोई भी पहले बॉयलर स्टार्टिंग कर रहा है तो उसको यही बीट लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सफ़ेद पैर का बीट लेंगे तो मॉर्टलिटी ज़्यादा हो जाएगा, आपका मनोबल टूट सकता है। और फिलहाल इस महीने में काफ़ी ज़्यादा रेट रहता है तो इसका रेट फ़िलहाल हमारा 46 रुपीस है। तो जो भी स्टार्टिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें मेडिसिन का भी काफ़ी होता है, मेडिसिन में आपका कुछ कुछ मेडिसिन जैसे पहले आपका एंटीबायोटिक आ गया उसके बाद अपना मल्टीविटामिन कुछ देना पड़ता है इसको। चले जाए तो पहले दिन लाने के बाद जो बच्चा अच्छा चले जाता है तो उसे लाने के बाद आपको गुड़ का पानी या फिर चीनी नमक ऐसे मिला के पानी आपको देना चाहिए ताकि जो एनर्जी उसमें लॉस हो गया उसको मिल जाए, क्योंकि गुड़ का पानी ग्लूकोज जैसा काम करेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आएगा। तो रात का एक सीन आपको दिखाएंगे फिलहाल, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, मगर बल्ब थोड़ा नीचा होगा यहाँ पे इसलिए सब बल्ब के पास आ रहा है, बल्ब को ऊपर लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम रात में ऊपर ले लेंगे। यहाँ पे जगह थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं रख सकते तो यहाँ पे जगह थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। और ये जो फार्म है काफ़ी सिंपल फार्म बनाया गया है और ये फीडर भी लगा गया है, साथ में एक फीडर है फिलहाल, अभी थोड़ी देर में हम फीडर भी लगा देंगे और साथ में जो बोरा है उसमें दाना दिया जा रहा है तो फीडर हम थोड़ी देर में लगा देंगे। जो ड्रिंकर है यहाँ पे लगा हुआ है काफ़ी अच्छा है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं आप फीडर हमने 8 फीडर लगा दिया गया है यहाँ पे और साथ में जो बोरा है उसमें भी दिया जा रहा है, क्योंकि इसे तुरंत पता नहीं चलेगा कि फीडर में खाना है या बोरा में खाना है, तो धीरे धीरे इसमें ये हो जाएगा। और एकदम से हमने चेंज कर दिया तो इसमें ग्रोथ कम हो जाएगा क्योंकि वो खाने ये समझ में नहीं आएगा उसे। यहाँ पे सब बच्चा सो रहे हैं, काफ़ी अच्छा है क्योंकि सोने से भी इसका ग्रोथ आता है और ज़्यादा नहीं सोने देना है इसको, क्योंकि ज़्यादा सो गया तो खाना नहीं खाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 5 बजे हम वैक्सीन कर रहे हैं, यहाँ पे जो रानी को वैक्सीन है आँखों में एक एक बूंद हम डालेंगे इसको और 10 से 12 दिन में और एक बार वैक्सीन करेंगे जो है गाम बोरो। ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं वैक्सीन चालू कर दिए और वैक्सीन होने से पहले यानी वैक्सीन जब हम देंगे उससे पहले दिन हम पानी में कुछ नहीं देंगे, पानी एकदम सफ़ेद यानी सादा पानी देंगे और जो दाना है उसको देते रहेंगे। फिर जब वैक्सीन हो जाएगा उसके दूसरे दिन यानी वैक्सीन दे और दूसरे दिन भी हम कुछ भी मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे। अब अच्छे से देख लीजिए थोड़ा सा, एक बूंद इसके आँखों में डालना है और ये देखिए आप इसको पी लेगा, ऐसे रहते सिस्टम आँखों से डायरेक्ट जो वैक्सीन या फिर पानी जो भी रहे वो गले में चला जाता है। तो धीरे धीरे हम इसको वैक्सीन करते रहेंगे, पहले दिन इसको ऐसे ही देना है
और दूसरा वैक्सीन भी हो सके तो आँखों में देना चाहिए, और तीसरे का टाइम आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, इसको बड़ा हो जाएगा फिर नहीं दे पाएंगे। तीसरे दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही मायने रहता है, मगर ब्रॉयलर है देना चाहिए। देखिए जगह में हमने थोड़ा और बड़ा कर दिया है, उस साइड में थोड़ा बड़ा कर दिया है, इस बार पेपर तो नहीं है, और पोते में थोड़ा बहुत दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा दाना ले रहा है, साथ में सो भी रहे काफ़ी अच्छा, और बच्चा स्ट्रांग भी है। मॉर्टेलिटी हमारा अभी तक 3 हो चुका है, जो एक लंगड़ा था यानी लैम बर्ड था वो गया, साथ में 2 और जो दाना ठीक से नहीं ले रहा था ऐसे गए। ऐसे करते करते आपका थोड़ा बहुत जाएगा, क्योंकि जो बच्चा है आपको 2-2 बच्चा 100 में ज़्यादा दिया रहता है। तो वीडियो खबर देख लीजिए यहाँ पे, और चलो अच्छा करें, कमेंट करें, उल्टे दे शेयर करें, चैनल पे नए हुए सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। धीरे मार, दे जगह छोटो हो गल हे हाँ एक तो मेला गुला कर अनेक गुला कर आछे দে 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 চলে যাবে দে নড়িস না তুই হাঁটা চলা করিস না বেশি ওখানে দাঁড়া থাক শেষ হ্যাঁ হয়ে যাবে অসুবিধা নেই জল খাক তারপরে দিবি ঠিক আছে আবার চলে যাবে আবার লেট করে মারা চোখের মধ্যে চলে যায়।